दोस्तों आज बात कर रहे हैं डेटा एंट्री जॉब के बारे में। 2024 की सबसे इजी स्किल में से मैं इसको एक कहूंगा। अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आपकी इजीली पार्ट टाइम जॉब भी लग सकती है, फुल टाइम जॉब भी लग सकती है और आप इससे एक डिसेंट पैसे कमा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में दो वेबसाइट मुझे मिली है। एक वेबसाइट ये क्लेम करती है कि गवर्नमेंट की तरफ से डेटा एंट्री जॉब प्रोवाइड कराती है, 2800 रुपए आप इससे डेली की इनकम कर सकते हो घर बैठे। इसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट की ये साइट है, इस तरीके की ये क्लेम कर रही है। इसके अलावा worksly.in भी एक वेबसाइट मिली है जो क्लेम करती है कि आप 500 रुपए पर पेज कमा सकते हो इस वेबसाइट पर काम करके। तो पहले इन दोनों वेबसाइट के बारे में भी बात करेंगे और डेटा एंट्री की जॉब आप कैसे पा सकते हो वो भी बताएंगे। देखिए असली डेटा एंट्री जॉब वही होती है जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो मैं आपको डेटा एंट्री जॉब बता रहा हूं इसमें आपका एक सिंगल पैसा नहीं लगेगा और आपको डेटा एंट्री जॉब मिल सकती है। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको इसको फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है, घर बैठे भी इसको किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मनी मेकिंग और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरीके कंटेंट आप कभी मिस ना कर सके। So, बात कर रहे हैं दोस्तों डेटा एंट्री जॉब के बारे में। देखिए सबसे पहले ना मैं आप लोगों को अभी जो फेमस चल रही है वेबसाइट उनके बारे में बता देता हूं। मार्केट में ना बहुत सारी वेबसाइट हो रही है, जैसे कि ये वेबसाइट है, ये क्लेम करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और 2800 रुपए आप इससे पर डे कमा सकते हो और ये भी वेबसाइट 100% फ्री है। और जो मैंने दूसरी वेबसाइट बताई worksly.in ये भी फ्री है, आपसे कोई पैसा नहीं ले रही रजिस्ट्रेशन वगैरह का। बट दोस्तों सबसे बड़ा कैच ये है कि ये दोनों की दोनों वेबसाइट फ्रॉड है। अब आप कहोगे सर पैसे भी नहीं ले रही तो फ्रॉड कैसे है। मैं आप लोगों को सबसे बड़ा जो फ्रॉड चल रहा है डेटा एंट्री के चक्कर में वो पहले बता देता हूं, उसके बाद असली डेटा एंट्री जॉब कौन सी है वो बताऊंगा जहां पे आपका पैसा नहीं लगेगा और आप स्कैम का शिकार भी नहीं होगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जैसे इस वेबसाइट के बारे में। ये वेबसाइट कहती है कि बाहर से कह रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से डेटा एंट्री जॉब है 2024 की, 2800 रुपए डेली आप कमा सकते हो, आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया इसमें लिखा गया निकलवा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी। अब देख के लोगों को क्या लगेगा कि गवर्नमेंट की कंपनी होगी, बट ये गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है। कंपनी तो कोई भी रजिस्टर कर सकता है, आप भी अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होगी, गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है, कंपनी के मालिक आप हो। वैसे ही इस तरीके की जो कंपनीज होती है वो लोगों को बेवकूफ बनाती है। अब मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये कंपनीज आपसे पैसा नहीं लेंगी, चाहे ये worksly हो या इस तरीके की कोई भी कंपनी हो, बहुत सारी चल रही है, इस तरीके का स्कैम भर भर के चल रहा है। तो इस तरीके के लोग पैसे नहीं लेते। ये क्या करते हैं, जब आप यहां पर अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद ये आपको काम देंगे घर बैठे करने के लिए। आप खुश हो जाओगे कि मेरे को तो डेटा एंट्री का काम मिल गया, अब आप यहां पर टाइपिंग वगैरह शुरू कर दोगे। फिर जब आप अपना काम इन कंपनी को सबमिट करोगे उसके बाद ये आपके काम में गलतियां निकालेंगे, उसके बाद ये कहेंगे कि आपने काम को टाइम से करके नहीं दिया, हमारी कंपनी का लॉस हो गया। फिर इनके तरफ का लॉयर जो है वो आपको कॉल करेगा कि भाई आपने हमारी कंपनी का नुकसान कर दिया, आपको पे करना पड़ेगा, आप पे हमारी कंपनी केस कर रही है। जी हाँ मेरे दोस्त, इस तरीके के स्कैम होते हैं। मतलब आपको ये फंसाते हैं कि आप इनके पास आ जाइए, फिर आप पर ये केस का डर दिखाएंगे और आपसे पैसा उगलवाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हजारों रुपए इस तरीके की कंपनीज को दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आप इस तरीके की कंपनी से बच के रहिए जो इंटरनेट पे चल रही है। अभी बात करते हैं कि असली डेटा एंट्री जॉब क्या होती है, टाइपिंग जॉब क्या होती है। देखिए डेटा एंट्री का सिंपल सा मतलब ये हो गया, जो मैनुअल डेटा है यहां पे उसको आपने डिजिटाइज कर दिया, मतलब कंप्यूटर या पीसी में स्टोर कर दिया आपने, इसका मतलब होता है डेटा एंट्री। बहुत सारे ऐसे काम है जहां पे आप लोगों को जो डेटा मिलता है, जैसे मान लीजिए ये पेज पे लिखा हुआ जितना भी डेटा है इसको मुझे टाइप करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे स्टोर करना है, इस तरीके की प्रोसेस को डेटा एंट्री कहा जाता है। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्किल है जिससे आपको डेटा एंट्री मिल सकती है, डेटा एंट्री का काम मिल सकता है, वो है एक्सेल। अगर आपको एक्सेल आता है दोस्तों तो आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड है और जेन्युइन कंपनीज काम कर रही है। ऐसी कंपनी नहीं होगी जो आपको काम पूरा ना होने पे आप पे केस कर देगी, कोई भी जेन्युइन कंपनी ऐसा नहीं करती है, राइट। तो अगर आप शिकार हो भी गए हो ना इस तरीके के स्कैम का और ऐसा आपका इसका लॉयर कॉल भी कर रहा है कि मैं आप पे केस कर दूंगा, तो खुले बोल देना भाई कर दे जो करना है तेरे को, मैं नहीं डरता, सब बोल दो उसको और काट दो उसका कॉल, कुछ नहीं होगा आपका, समझ लो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और जेन्युइन कंपनी तो मैंने बताया ऐसा आपके साथ करेगी भी नहीं। तो एक्सेल आप सीख लीजिए दोस्तों, अगर आपको एक्सेल आता है तो एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं naukri.com मैंने ओपन किया है, बहुत सारी जॉब्स अभी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं MIS एग्जीक्यूटिव फॉर MD एडवांस एक्सेल डेटा मैनेजमेंट, 5 से 5.5 लाख की सैलरी है। इसके अलावा डेटा एंट्री के जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी जो सैलरी है 3 से 4 लाख की होती है, राइट। तो स्टार्टिंग लेवल पे अगर आपको एक्सेल आता है तो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए तक की मिनिमम सैलरी तो मेरे ख्याल से लग जानी चाहिए, इतना तो स्कोप है ही है। इसके अलावा एक्सेल से रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल है और फुल टाइम भी अवेलेबल है। जो naukri.com पे मैं दिखा रहा हूँ, naukri.com पे जनरली आपको फुल टाइम मिल सकती है, बट अगर आप बड़े शहर में नहीं रहते और आप गांव में रहते हैं, फ्रीलांसिंग आपको करनी है, घर बैठे काम करना है, तो मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ, फाइवर या अपवर्क। अपवर्क पे बहुत सारे आप लोग कह लीजिए एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, जॉब्स मिल जाएंगी। आप देख लीजिए अपवर्क एक्सेल जॉब मैंने लिखा है,
और यहाँ पे अपवर्क एक जेन्युइन वेबसाइट है, कोई पैसा नहीं लेती आपसे, कोई केस आप पे नहीं होगा अगर काम टाइम पे नहीं करके दोगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे यू नो आप देख सकते हैं यू नो एक्सेल से रिलेटेड जॉब्स मिल जाती हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक्सेल आना बहुत जरूरी है, आई वुड सजेस्ट एक्सेल नहीं आता तो सीख लीजिए। मैंने इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, लास्ट ईयर हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी अर्नशाला जिसमें हम आप लोगों को इसी तरीके के स्किल्स सिखाते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो एक्सेल पे हमने एक पूरा क्रैश कोर्स डिजाइन किया है जिसको करके आप एक्सेल सीख सकते हैं, समझ सकते हैं एक्सेल क्या है। एक बेसिक से आप कह लीजिए कि एडवांस कोर्स है, बेसिक से हमने सारी चीजें सिखाई है कि एक्सेल क्या होता है, एक्सेल में यू नो शीट्स कैसे बनाई जाती है, फॉर्मूलास को कैसे अप्लाई किया जाता है, वो सारी चीजें अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो क्रैश कोर्स है एक्सेल का उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस है दोस्तों वो 999 है। पहले दोस्तों कोर्स की फीस ज्यादा थी बट न्यू ईयर का ऑफर हम चला रहे हैं तो 999 में आपको ये कोर्स मिल सकता है। और ये जो प्राइस है दोस्तों ये सिर्फ फर्स्ट 400 आप कह लीजिए लोगों के लिए ही है, 400 सीटें ही हमने रखी है जहां पे ये प्राइस हम 999 का कर रहे हैं, 400 सीटों के बाद हम प्राइस बढ़ा देंगे। तो अगर आपको एक्सेल में इंटरेस्ट है, एक्सेल सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिटेल डाली, अपने नाम नंबर अपना ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर वगैरह डालिए ताकि हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपको कोर्स में एनरोल कराने के लिए। कोर्स जो है 100% आप कह लीजिए ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अर्नशाला को और उसमें कोर्स आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि कोर्स जो है हमने हिंदी में बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ सके। तो अगर आप एक्सेल सीखने के इच्छुक है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको वही फिल करें जिनको ये कोर्स करना है। डिस्क्रिप्शन वाला लिंक फिल करके आपकी जॉब नहीं लग रही है ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं, तो जो इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए वो जॉब कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि एक बार आपने ये स्किल सीख ली तो मार्केट में जॉब्स इजीली अवेलेबल है, पार्ट टाइम भी अवेलेबल है और फुल टाइम भी अवेलेबल है। तो जाइए अपनी डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी स्किल आपको यहाँ पे डेटा एंट्री से रिलेटेड काम दिलवा सकती है दोस्तों वो है यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो है एक तरीके की फुल टाइम जॉब है रिसेप्शनिस्ट वाली, राइट। और इसको करके आपको यहां पे डेटा एंट्री ही करनी पड़ती है। अगर आप होटेल्स में गए हो, अगर आप कॉलेज में गए हो, अगर आप स्कूल में गए हो या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में गए हो तो आपने वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट जरूर देखा होगा या देखी होगी। रिसेप्शनिस्ट की जो जॉब होती है उसका काम होता है कस्टमर से डील करना, उनकी हेल्प करना और कई कई केसेस में उनका जो काम होता है कस्टमर्स द्वारा दिए गए डेटा को एंटर करना। तो ये एक आसान जॉब है, इसको आप इजीली लगवा सकते हो। आपको सिर्फ naukri.com पे या गूगल पे जाके रिसेप्शनिस्ट जॉब लिखना है, बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। स्टार्टिंग लेवल पे आपकी सैलरी 15,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक हो सकती है और ये कई केसेस में ज्यादा भी हो सकती है अगर आपको इंग्लिश वगैरह आती है। तो आप इस स्किल के लिए अप्लाई कर दीजिए, इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना ही जरूरी है, 12th पास अगर आप हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे डेटा एंट्री से रिलेटेड जॉब चाहिए, फुल टाइम जॉब चाहिए तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब आप लोगों के लिए है, इसमें भी जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो तीसरे नंबर की जॉब है यहाँ पे वो है ट्रांसलेशन की जॉब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हो, जैसे इंग्लिश को हिंदी में कर दिया या हिंदी को इंग्लिश में कर दिया, तो इस तरीके की ट्रांसलेशन वाली जॉब बहुत सारी अवेलेबल है। अब आप कहोगे कहां मिलेगी, तो मैं आप लोगों को अपवर्क पे ले जाना चाहता हूं। अपवर्क पे जाने के बाद दोस्तों सर्च वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा दोस्तों, ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी जॉब्स है वो यहाँ पे आ गई। आप देख लीजिए फुल टाइम ट्रांसलेशन फॉर अफ्रीका, अफ्रीका की कोई प्रोजेक्ट है कंपनी का जहां पे फुल टाइम ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है, आप चाहे तो इस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपवर्क काम कैसे करता है तो फुल ट्यूटोरियल हमने अपवर्क पे बनाया है कि अपवर्क पे कैसे आप अपना अकाउंट बना सकते हो, कैसे आप वहां पे जॉब वगैरह निकलती है। एक आप कह लीजिए अपवर्क का हमने फ्री कोर्स ही तैयार आप लोगों के लिए कर दिया है हाफ एन आवर का, तो अगर आप वो कोर्स देखना चाहते हो तो ये वाला जो वीडियो है आप लोग देख सकते हैं, ये वाला वीडियो बनाया है उस बंदे ने जो खुद अपवर्क पे काम कर चुका है और अपवर्क से 40,00,000 रुपए कमा चुका है, तो उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक जरूर करेगा, आपके बहुत काम आएगी। तो अपवर्क पे इस तरीके की ट्रांसलेशन से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाती है जहां पे आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। आज के डेट में बहुत सारे गूगल ट्रांसलेटर वगैरह चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं, तो उनके थ्रू भी आप ये कर सकते हो प्रोजेक्ट्स और आपको पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो ये चीज भी एक्चुअल में काम करती है और इसमें भी आपको ट्रांसलेशन ही करनी है, एक तरीके की डेटा एंट्री ही करनी है। क्योंकि डेटा एंट्री क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक नॉर्मल डेटा को डिजिटाइज करके उसको डिजिटाइज डेटा में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड अ डेटा एंट्री जॉब, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा यहाँ पे जॉब है वो है ट्रांसक्राइब की, या ट्रांसक्रिप्शन इसको आप कह सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन वाली जो जॉब्स होती है उसमें भी यहाँ पे डेटा एंट्री ही इन्वॉल्व होता है।
ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट? अपने सबटाइटल्स वगैरह देखे होंगे, मूवीज में लगे होते हैं, आज की डेट में यूट्यूब वीडियोस में लगे होते हैं, कि जो भी बोल रहा होता है बंदा उसका नीचे यहाँ पे यू नो ट्रांसलेशन होके आ रहा होता है। तो इससे रिलेटेड भी जॉब निकलती है दोस्तों। आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो जाके कभी अपर पे चेक करना कितने लोग यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर करके भी पैसे बना रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे मैंने लिखा, आप देख सकते हैं ये जो बंदा है चैतन्य है, ये $10 पर आवर का कमाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन करके। इस तरीके की जॉब एक्चुअल में यू नो एग्जिस्ट करती है, बट लोगों को प्रॉपर तरीका मालूम नहीं होता कि उनको पाना कैसे। लोगों को ये चाहिए कि भैया मेरे को एक वेबसाइट में अकाउंट बना लूंगा, वो बंदा मेरे को काम भेजता रहेगा, मैं काम करके देता रहूंगा और मेरे पास महीने के घंटों के पैसे आते रहेंगे। ऐसे नहीं होता, काम पाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी जो वेबसाइट्स है ना अपवर्क वगैरह, ये प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, जहां पे आपको बहुत सारे फ्रीलांसिंग वर्क मिल सकते हैं, उसमें डेटा एंट्री भी एक है। मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिखा, आप देख लीजिए ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल। ये जो बंदा है नॉर्मन, ये प्रोफेशनल ट्रांसक्राइबर है, ये यहाँ पे क्या काम करता है, आप जो बोल रहे हैं उसको ट्रांसक्रिप्ट कर देता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है पूरी दुनिया में। आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मैं आपके लिए आपके वीडियो के सबटाइटल्स लिख दूंगा। बहुत सारे मेरे पास मेल्स आते हैं जहां पे मुझे बताया जाता है कि आप जो है यू नो अपने वीडियो का सबटाइटल्स लिखवा दीजिए, हम लिख लेंगे। तो वो बंदे क्या करते हैं, पर वीडियो का 500 रुपीज चार्ज करते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि एक 5 से 10 मिनट के वीडियो का अगर आपको 500 रुपए मिल रहा है, और यूट्यूबर जो होता है या जो कंटेंट क्रिएटर है वो तो यहाँ पे महीने के 30 से 40 वीडियो तो बनाता ही है। अगर आप एजुकेशन वाले वीडियो जैसे हम वीडियो बनाते हैं, हम लोग 20 से 30 वीडियो बनाते हैं महीने के, आपके पास मान लीजिए 2 यूट्यूबर्स आपके साथ जुड़ गए जो आपको डेली काम दे रहे हैं, और आप महीने का 40 आप कह लीजिए कि उनके लिए वीडियो बना रहे हो, तो 40 × 500 आप कर सकते हो दोस्तों। आप देख लीजिए 20,000 रुपए आपके यू नो महीने के बन गए बैठे बैठे, वो 2 यूट्यूबर्स को आपने अपने साथ जोड़ा है। वही अगर आप 10 यूट्यूबर्स जोड़ लेंगे, 20 जोड़ लेंगे, 50 जोड़ लेंगे, तो फिर तो मतलब खेल ही अलग हो जाएगा। अगर आप इससे रिलेटेड यू नो स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि आप यूट्यूबर्स का काम कैसे पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको वो पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे लोगों को अप्रोच किया जाता है फॉर सबटाइटल वर्क, और इससे बेहतरीन इनकम की जा सकती है विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपके ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए आप यहाँ पे अपवर्क पे यू नो प्रोजेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं, और अपवर्क का ट्यूटोरियल मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पे हमने बना रखा है, तो जाके वो भी चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे मैं जो रखना चाहूंगा वो है ईमेल असिस्टेंट। ये जो काम है ना दोस्तों, इसमें भी डेटा एंट्री से रिलेटेड काम ही आपको करना होता है, मतलब आपको टाइप करना होता है, ईमेल किसी का रिप्लाई टाइप करना होता है। तो बेसिकली होता क्या है, आप एक एडमिन बना दिए जाते हो एक ईमेल अकाउंट का, जहां पे आपको जो भी रिप्लाई आ रहे होते हैं सामने से उसका यू नो आप कह लीजिए कि रिप्लाई करना होता है। तो ईमेल असिस्टेंट से रिलेटेड भी जॉब्स निकलती है। आप अगर यहाँ पे चाहो तो इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जॉब है जहां पे आपको ईमेल्स के रिप्लाई करने होते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, इसके अलावा अपवर्क पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। अपवर्क को यूज करना सीख लो यार, बहुत काम की चीज है और एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। मुझे नहीं पता कि लोग इसको क्यों यूज नहीं कर रहे, बट अमेरिका वगैरह में बहुत यूज किया जाता है। हालांकि इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, बट यहां पे क्योंकि जेन्युइन वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट साइट है जो आपको बहुत सारा प्रॉफिट करवा सकती है, इसलिए आपको बता रहा हूं। इसी तरीके की फाइवर भी है, इसके अलावा यू नो फ्रीलांसर भी है जो सेम तरीके का काम करती है, तो आप तीनों पे अकाउंट बना के काम कर सकते हैं अगर आपको घर बैठे काम चाहिए। एक दिन में काम नहीं मिलेगा, बट आप यहां पे डेली एक्टिव रहोगे तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी स्कैम आपके साथ नहीं होगा, कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा, ठगेगा नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको 2024 में डेटा एंट्री से रिलेटेड काम करना है तो आप ये चीजें ट्राई करके देख सकते हैं। ये मत उम्मीद करना कि इस वीडियो को देख के किसी को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो को देखने का पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। वीडियो से जो आप चीजें लर्न करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, उसके रिलेटेड काम शुरू करोगे, तब पैसा मिलेगा। ये तो वही बात हो गई कि आपने कुकिंग रिलेटेड वीडियो देखा, मटर पनीर की रेसिपी देखी और देखते ही क्या मटर पनीर बन जाएगा। मटर पनीर बनने के लिए आपने जो रेसिपी में सीखा है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास मटर पनीर की सब्जी आने वाली है। तो ये एक तरीके की सेम चीज है, ठीक है? कोशिश करते रहिए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अपना टाइम वेस्ट ठुमको और रीलों में कर रहे होते हैं, आप उस तरीके की चीजें नहीं कर रहे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई क्वेश्चन सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा। मैं मुलाकात करता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।